YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। चैनपुर प्रखंड के काराकाट बंदुआ में हो रहे सतचंडी महायज्ञ पर आज ग्रहण लगते नजर आया। दरअसल जहां पर सतचंडी यज्ञ होने की बातें हो रही है, उस स्थल को लेकर दो समुदायों के बीच कुछ दिन पहले से तनाव उत्पन्न हो गया था, पर प्रशासन ने पहल कर दोनों समुदाय के कुछ लोगों पर 107 का मुकदमा दर्ज कर दिया, साथ ही स्थल पर 144 धारा लगा दी थी। दुर्गा पूजा के ठीक पहले दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बंदुआ के पहाड़ी बाबा के प्रांगण में होने वाले श्री सतचंडी महायज्ञ जो 10 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक चलने वाली है, इसे लेकर आज सैकड़ों ग्रामीण झंडा लेकर यज्ञ स्थल पर पहुंचकर जैसे ही झंडा गाड़ा, दूसरे समुदाय के लोगों ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि हजारों ग्रामीणों को भगाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, जिससे एक पक्ष के लोग उग्र हो गए व दूसरे पक्ष पर पथराव भी शुरू कर दिया। दोनों पक्षों की ओर से लगभग आधे घंटों तक यह सिलसिला चलता रहा और जैसे जैसे यह खबर क्षेत्र में फैलती रही वैसे वैसे लोगों का हुजूम घटनास्थल पर उमड़ता रहा, परंतु इस दौरान दूर दूर तक प्रशासन नजर नहीं आई। हां, विलंब से ही पहुंची प्रशासन के सामने भी दोनों पक्षों की ओर से पथराव होता रहा, वह एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज करते रहे। दोनों पक्षों को रोकने के लिए प्रशासन को घंटों मशक्कत करना पड़ा। आइए सबसे पहले देखते हैं घटना स्थल का एक दृश्य। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिले के एसपी इंद्रजीत महता ने कहा कि इस घटना में जितने भी उपद्रवी तत्व हैं उस पर कानून संबद्ध कार्रवाई अवश्य होगी, साथ ही दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। देखिए, बंदुआ में जो एक तरह से कह सकते हैं कि विधि व्यवस्था की समस्या सवेरे आज थोड़ी सी हुई थी, वहाँ पर पुलिस फोर्स पर्याप्त संख्या में तैनात है। हमारे DSP सुरजीत कुमार और अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी सभी लोग तैनात हैं। अभी स्थिति बिल्कुल ही नियंत्रण में है, सामान्य है। वहाँ पर एक यज्ञ करने को लेके जो है विवाद हुआ था, एक यज्ञ करना चाहते थे एक समुदाय के लोग, लेकिन चूंकि वहाँ पे सरकारी ज़मीन है, 144 ऑलरेडी ज़मीन पर लगी हुई है, लेकिन किसी को यज्ञ करने से, सब चाहते थे कि यज्ञ हो, तो इसको लेके प्रशासन ने एक पहल की थी कि सामने जो अविवादित जगह हो, जहाँ पे विवाद ना हो, उसको लेके वहाँ के लोगों का भी, दूसरे समुदाय के लोगों का भी सहयोग मिले, क्योंकि आने वाले लगातार दिनों तक ये चलता रहेगा, तो एक सहयोग के लिए आज 10 बजे दोनों पक्षों को नोटिस देके एक बैठक भी बुलाई गई थी। लेकिन इस बैठक से पहले ही कुछ लोग जो है वहाँ पर, जो 144 जहाँ लगा था वहाँ पर पहुँचने की सूचना मिली, तो फिर पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई की। कुछ सूचनाएं, कुछ अफवाह भी फैलाई जा रही है, मैं जनता से अपील करूंगा कि अफवाहों पे ना पड़े, प्रशासन अपना काम निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से करेगी, जो कानून के मुताबिक होगा। और लोगों से मेरी यही अपील होगी कि शांति बनाए रखें, कोई भी कार्य जो है भारत में कानून के दायरे में ही होता है और आपसी संवाद के माध्यम से ही होता है। तो अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और मेरी जनता से अपील है कि किसी तरह के अफवाहों पर